अकुलता बहा ले जाती है, परंतु उन्हें अपने मार्ग का ज्ञान नहीं होता। वो तो अंधाधुंध बही जाती हैं, क्योंकि वो केवल बहने ही को अपना कर्म समझती हैं, और वो अपना सारा जल, अपनी सारी उथल पुथल सागर में उड़ेल देती हैं। किंतु सागर फिर भी अपने तटों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। इसी प्रकार कामनाओं की नदियां सामान्य मनुष्य को तो बहा ले जाती हैं, परंतु जब वो मुनि तक आती हैं तो मुनि उन्हें समेट लेता है और अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। हे पार्थ, तुम भी सागर बनो। सागर मुनि है, सागर ज्ञानी है, तुम भी ज्ञानी बनो पार्थ, क्योंकि ज्ञान ही उत्तम है। हे ऋषिकेश, हे योगेश्वर, हे ज्ञान मूर्ति, यदि ज्ञान कर्म से उत्तम है तो आप मुझे इस लोहू लोहान कर्म में क्यों लगा रहे हैं? केशव, आप मुझे इस लोहू लोहान कर्म में क्यों लगा रहे हैं? हे केशव, आपने तो मुझे उलझा दिया। यदि ज्ञान कर्म से उत्तम है तो फिर मैं ये भयानक कर्म करूं क्यों? क्यों युद्ध करूं केशव? क्यों ना मुनि बनकर मौन समाधि में चला जाऊं? मैं कल्याण का मार्ग पूछ रहा हूं केशव, कृपया मुझे मार्ग दिखलाइए। केशव, मुझे मार्ग दिखलाइए। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जो अंतर्मुखी होते हैं वे स्वयं के भीतर जाकर ईश्वर को देखते हैं, यही ज्ञान योग है। और जो बहिर्मुखी होते हैं वे स्वयं से बाहर निकलकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु कर्म से छुटकारा नहीं, क्योंकि स्वयं के भीतर जाकर उसे खोजना भी तो कर्म ही है। हे कुंती पुत्र, मार्ग तो यही दो हैं, एक ज्ञान योग का और दूसरा कर्म योग का। हे केशव, तो फिर मैं ज्ञान योग के ही मार्ग पर क्यों ना चलूं? किंतु हे पार्थ, ज्ञान योग भी कर्म के त्यागने का मार्ग नहीं है, सिद्धि का मार्ग नहीं है, क्योंकि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। आंखें हैं तो वे अवश्य देखेंगी, पलकें हैं तो वे अवश्य झपकेंगी, कर्ण हैं तो वे अवश्य सुनेंगे। जो कर्मेंद्रियों के आड़े आए, जो उन्हें बलपूर्वक रोक कर उनका दमन करके विषयों का चिंतन करे, वो योगी नहीं, वो ज्ञानी नहीं, वो तो मिथ्याचारी है। सिद्ध पुरुष इंद्रियों को अपने वश में करता है, उनका दमन नहीं करता पार्थ, वो आंखें बंद करके नहीं जीता। कर्म बिना तो शरीर की यात्रा संभव ही नहीं, व्यक्ति सांस तो लेगा ही ना पार्थ। यदि वातावरण में कोई सुगंध या दुर्गंध है तो वो उसका अनुभव करने के लिए भी विवश है। यदि उसके आसपास कोई नाद है, कोई ध्वनि है, कोई कोलाहल है, तो उसे सुनने के लिए उसके कर्ण उसके आदेश की प्रतीक्षा तो नहीं करेंगे ना। इसलिए जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखे, जो उन पर अपनी चेतना का अंकुश लगाकर उन्हें कर्मोन्मुख करे, उन्हें कर्म की दिशा दिखाए, वही श्रेष्ठ है। वो अपने विकल्पों को समझता है पार्थ, और अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करता है। और हे पार्थ, अपने नियत कर्म करना कुछ न करने से अच्छा है। अब ये भी ठीक है पार्थ की आंखें देखती हैं, किंतु वे क्या देखें और क्या न देखें, इसका निर्णय तो ज्ञानी स्वयं ही लेता है। वो आंखों को देखने की, कर्णों को सुनने की और पांवों को चलने की खुली छूट नहीं देता। विकल्प के इसी मोड़ पर ज्ञानी और अज्ञानी के अंतर का भेद खुलता है पार्थ। इसलिए कर्म तो आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना तो शरीर का निर्वाह संभव ही नहीं। किंतु हे पार्थ,
ज्ञानी पुरुष की भांति कर्म करो, ज्ञानी पुरुष की भांति। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो यह कर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हे कौन्तेय, कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ किया जाता है, क्योंकि कर्म ही यज्ञ है और इसका स्रोत स्वयं अविनाशी ब्रह्मा है, इसलिए कर्म का मार्ग सीधा ब्रह्मा तक जाता है। और इसीलिए जो व्यक्ति सृष्टि चक्र चलाने में योगदान नहीं करता, उसका जीवन मूल्यहीन हो जाता है। तुम इस मूल्यहीनता की ओर न जाओ पार्थ, तुम इस मूल्यहीनता की ओर न जाओ। जो व्यक्ति केवल अपनी समस्याओं के विषय में सोचता है वो तो पापी है। इसलिए तुम इस मोह जाल से निकलकर अपने कर्तव्यों को पहचानो पार्थ, और उनका पालन करो। हे पार्थ, कर्म फल की इच्छा ही मार्ग में बाधा है। कर्म फल की इच्छा ही तो व्यक्ति के गले में बंधा हुआ वो पत्थर है जो उसे स्वयं की तहों से ऊपर उठने ही नहीं देता। यही तो व्यक्ति को समाज से काट देता है और उसे व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि की दलदल में ढकेल देता है। समाज तुम में नहीं है पार्थ, तुम समाज में हो। इसलिए लोक संग्रह और लोक कल्याण ही को अपना परम कर्तव्य मानो, क्योंकि जो समाज के लिए कल्याणकारी होगा वही तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी होगा। जो कर्म लोक संग्रह के लिए होगा पार्थ, उसी के द्वारा तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। व्यक्तिगत लाभ से तो पाप की गली निकलती है, क्योंकि वो तो स्वार्थ सिद्धि के लिए व्यक्ति को भटका देता है। और हे पार्थ, ये भी न भूलो कि तुम एक महान पुरुष हो और लोग तुम्हें दृष्टांत मानकर तुम्हारे पीछे पीछे काम और स्वार्थ के मार्ग पर चल पड़ेंगे, क्योंकि एक श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण तो दूसरों के लिए दृष्टांत बन ही जाता है। मुझी को लो। नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं पार्थ, और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं। फिर भी मैं तुम्हारे सामने हूं, कर्म कर रहा हूं पार्थ, कर्म कर रहा हूं। ये दिखला रहा हूं, ये सिद्ध कर रहा हूं कि निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना संभव है। हे संजय, वासुदेव ने यह क्या कहा? महाराज, यहां पर तो वासुदेव कृष्ण के स्वर ही बदले हुए हैं, जैसे ये स्वयं वो नहीं बल्कि कोई और बोल रहा है। और कौन? महाराज, कुंती पुत्र अर्जुन क्या समझे ये तो मैं नहीं जानता, किंतु स्वयं नारायण के अतिरिक्त तो कोई और इस शैली में बोल ही नहीं सकता। कोई और तो ये कह ही नहीं सकता कि त्रिलोक में कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जिसे वो प्राप्त करना चाहें और प्राप्त ना कर सकें। वो कह रहे हैं कि त्रिलोक में उनके करने योग्य कुछ है ही नहीं, फिर भी वो कर्म कर रहे हैं, कि यदि वो कर्म नहीं करेंगे तो संसार उन्हें दृष्टांत मानकर कर्म को त्याग देगा और कर्म चक्र ठहर जाएगा, और उसके ठहर जाने से समाज नष्ट हो जाएगा, और इस सर्वनाश का कारण वही ठहराए जाएंगे। संजय, ये तो कोई साधारण या असाधारण पुरुष कह ही नहीं सकता, और ये वाक्य तो यदि किसी ब्रह्म ऋषि के भी हों तब भी ये अहंकार का प्रदर्शन माना जाएगा। किंतु वासुदेव के उच्चारण में तो अहंकार की झलक भी नहीं थी महाराज। इसी ने तो मुझे भी भयभीत कर दिया है संजय। यदि वो इस स्वर में मुझसे भी धनुष उठाने को कहें तो अपनी नेत्रहीनता भूलकर मैं भी धनुष उठा लूंगा। संजय, तो क्या
अर्जुन गांडीव उठा लेगा? इस प्रश्न का उत्तर मैं दे सकता हूं महाराज, किंतु भविष्यवाणी मेरे कर्म क्षेत्र के बाहर है। यदि भगवान ये चाहते कि मनुष्य को भविष्य का ज्ञान हो।